भाई, वेलकम टू गौरव का टेक। आज हम देख रहे हैं XC40, वॉल्वो XC40। ये वॉल्वो की स्टार्टिंग है। XC40 आपको SUV सेगमेंट पे XC40 से स्टार्टिंग होती है, और इसका एक शोरूम आपको बता दूं 45,90,000 एक शोरूम पर जाता है। और इंजन की बात करो तो इसमें हमें V4 माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल, और ये 8 स्पीड गियरट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में मिलती है। फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है, और 1969 सीसी का, मतलब तकरीबन 2000 सीसी का हमें इसमें पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अब बाकी बात करेंगे, बाकी आपको फ्रंट में गाड़ी चेकआउट कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है देखने में, और हमें कुछ इस तरह से इसमें रेन सेंसरिंग वाइपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे डैश कैम देखने के लिए मिल जाता है, कंपनी फिटेड। और वहीं नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा, ब्लैक कलर है, स्पार्कलिंग ब्लैक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पार्कल देख रहे हो आप इसमें। और यहाँ आपको कुछ इस तरह से DRS देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर आपको DRS में आपका इंडिकेटर वर्क कराएगा, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर आपको LED बेस हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं फॉलो मी होम हेडलैम्प फीचर के साथ। यहाँ पर आपको इसका फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल इसमें हमें 4 पार्किंग सेंसर पॉइंट किए गए हैं, एक यहाँ पे, 2 उस साइड। जो लोअर ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, और स्किड प्लेट है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। अब आए इसकी मेन ग्रिल पे, तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश में कुछ इस तरह की ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। बीच में वॉल्वो का काफी बड़ा लोगो, वॉल्वो की ब्रांडिंग, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह ये आपका टूल जो टोइंग होता है उसकी जगह है। जो बाकी गाड़ी का फ्रंट आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी साइड भी आप इसका जो DRL देख सकते हैं। नीचे कॉर्निंग फॉग लैंप्स मिल जाते हैं आपको। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए। यहाँ आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ फेंडर में कुछ क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा आपको, और वहीं नीचे कुछ इस तरह से अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। 5 स्पोक अलॉयज हैं, और टायर साइज की बात करूँ तो 235/55/18 का टायर देखने को मिलेगा, जिसमें 18 इंच आपको अलॉयज मिलेंगे। फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क होने वाले हैं। कंटिनेंटल के टायर्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आएंगे ऊपर बॉडी पिलर है, जो आपका ए पिलर है सेम बॉडी कलर रहने वाला है। रूफ लेंस भी आपकी ग्लोसी ब्लैक फिनिश में, सनरूफ कलर देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पार्कलिंग कलर है ब्लैक, काफ़ी स्पार्कल्स इसमें शाइन कर रहे हैं। जो इसके ORB में आपको ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, और इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट का भी फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये आपको जो ORBM है ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ग्लोसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। जो डोर्स है यहाँ पे भी आपको ब्लैक बीडिंग मिलेगी ग्लोसी में। चारों डोर्स हैंडल पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, टच रिक्वेस्ट सेंसर। जैसे लॉक हो गया तो RBM बंद हो गए, और यहीं से प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी एक बार प्रेस करने पे। और डोर हैंडल्स पे आपको लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी। अंधेरे में आप अगर आते हैं तो यहाँ डोर हैंडल्स पे लाइट भी दी हुई है, देख रहे होगे आप। जैसे आप हैंडल पकड़ेंगे डोर हैंडल्स पे लाइट जलेगी, ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड कुछ इस तरह से। नीचे भी आपको कुछ क्लैडिंग का पार्ट डोर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा, और जो रनिंग बोर्ड है वो मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इसका क्वार्टर पैनल ग्लास है वो आपको पैसेंजर डोर में ही ऐड कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया आपको रिक्वेस्ट सेंसर चारों तरफ देखने मिलेंगे। पीछे राइट साइड पर आपको फ्यूल टैंक देखने मिलेगा पेट्रोल, जो आपको विद फिल्टर मिलता है। जब भी आप इसमें फ्यूल फिल अप कराते हैं तो फिल्टर होकर आपके टैंक में जाएगा। रेयर भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से इसकी रेयर लुक आती है। रेयर टेल लैंप्स आपको कुछ इस तरह से जलते हुए देखेंगे LED में। एक बार इसके इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका रेयर टेल लैम्प, यहाँ पे इंडिकेटर वर्क कर रहा है, और ये आपका ब्रेक लाइट, यहाँ आपका B4 की मार्किंग की हुई है। वहीं ऊपर आएंगे तो शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे वॉशर प्लेस किया हुआ है, वाइपर, रेयर डिफॉगर, नीचे वॉल्वो की ब्रांडिंग की हुई है गार्निश में। यहाँ पे आपको XC40 जो वेरिएंट का मॉडल है, जो वेरिएंट है वो XC40 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। नीचे नंबर प्लेट की जगह कुछ यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। पीछे आपको डुअल एग्जॉस्ट पाइप देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल मफलर लुक में इसका बम्पर देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको स्किड प्लेट भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो एग्जॉस्ट है वहाँ आप देख सकते हैं कि डुअल पाइप एग्जॉस्ट हमें इसमें मिलते हैं। तो इस साइड आकर आप इसका को ड्राइवर साइड प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है देखने में। यहाँ से पूरी गाड़ी देख सकते हैं आप। जैसा मैंने बताया आप ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स देखने के मिलेंगे,
चारों डोर हैंडल्स पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह के अलॉयज, ORBM विद LED इंडिकेटर्स, ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हरमन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें टोटल आपको 14 स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे। आपका डोर ओपनर, ये आपके सीट प्रोफाइल सेट करने के लिए, चारों ऑटो अप डाउन विंडोज मिल जाएंगी आपको, ये विंडो लॉक अनलॉक लगने, यहाँ पे ORBM कंट्रोल जहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं और विंडो गाड़ी लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। जो ड्राइवर ट्री में आर्मरेस्ट है आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ बूटन यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। ये डोर एक्सेस करने के लिए हैंडल, नीचे वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ पे कुछ कुछ फैब्रिक टच दिया हुआ है। अब जैसे अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्वो की स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट लेदर फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिल जाएगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, जिससे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एसी वेंट में चारों तरफ आपको ग्लोस ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। आप चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, गाड़ी में इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ पे आपको बूट गेट जो टेल गेट है उसे ओपन करने के लिए यहाँ बटन मिल जाएगा, यहाँ आपका एसी वेंट, इस साइड आपके वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे और इस साइड आपके ऑटो हेडलैम्प्स के। थ्री स्पोक्स स्टेयरिंग देखने के लिए मिलेगा हमें, थ्री स्पोक्स स्टेयरिंग देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको लेफ्ट में क्रूज कंट्रोल वगैरह की अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसकी पूरी यूनिट मिल जाएगी। राइट साइड में आपको इन्फोटेंट कंट्रोल, जो इन्फोटेंट सिस्टम है उसकी कुछ कंट्रोल यूनिट यहाँ देखने के लिए मिलेगी। टोटल 6 एयरबैग्स मिलेंगे इसमें हमें, ड्राइवर, को ड्राइवर, कॉनिंग और कर्टेन। और स्टेयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाता है, काफी सॉफ्ट इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग देखने के लिए हमें इसके अंदर मिलेगा। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा, यहाँ पे ट्विटर प्लेस किए हुए हैं देख सकते हैं आप, फिर से हरमन गार्डन की यहाँ पे ब्रांडिंग, यहाँ पे भी स्पीकर लगा हुआ है, सब बूफर है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ वुडन वर्क देखने के लिए मिलेगा हमें डैशबोर्ड पे भी। एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग से ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह का हमें 12.3 इंच का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे स्पीड मीटर, ये आपका RPM और बीच में थोड़ी सी MID, यहाँ पे आपके सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको TMPS वगैरह की। यहाँ पे आप अपना GPS भी आपका वर्क करेगा, GPS की नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब इसे यहाँ से आप इसे एडजस्ट करेंगे तो GPS भी आपका यहीं पे वर्क करेगा, TMPS वगैरह की सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं देखने के लिए मिलेगी। वहीं जब इस साइड आएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इन्फोटेन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, इन्फोटेन सिस्टम 9 इंच की डिस्प्ले मिलेगी हमें, टच डिस्प्ले जिसमें आपका इन कार एयर क्वालिटी मॉडरेट का फीचर भी देखने के लिए मिल जाता। इसमें आपका एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा, आपको USB के थ्रू कनेक्ट करना होगा। दोनों तरफ आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, काफी बड़े एसी वेंट जिसमें आपको ग्लोसी ब्लैकनेस का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहां से आप अपना एसी टेम्परेचर वगैरह भी उनका कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा भी आप यहीं से अपना वर्क करेगा। जैसे आप इन्फोटेनमेंट सिस्टम पे प्रेस करते हैं यहां से आप अपना, यहां से पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, यहां से रियर व्यू कैमरा भी आप देख सकते हैं और ऑटो पार्किंग असिस्ट का भी फीचर इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइविंग वगैरह के काफी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, पायलट असिस्ट, सेफ्टी असिस्ट, ड्राइविंग डायनेमिक वगैरह के फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। साउंड पे जाके आप अपने म्यूजिक सिस्टम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कनेक्टिविटी पे जाके कार सिम डाटा वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसमें जाके, वाइपर्स वगैरह, ऑटो वाइपर्स वगैरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। गूगल असिस्ट का इसमें 4 साल का जो 4 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें फ्री मिलता है वॉल्वो की तरफ से, उसके बाद हमें उसका पे करना होगा गूगल असिस्ट का। और यहाँ पे सिस्टम जो डेट वगैरह आप अपने जाके सेट कर सकते हैं, सेटिंग से यहाँ पूरा बाहर आ जाएंगे। कनेक्ट योर डिवाइस, मैप्स वगैरह यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप पूरा GPS अपना देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ मतलब ड्राइविंग के टाइम पे आपका पूरा वर्क करेगा। वहीं नीचे आएंगे तो नीचे आपको इन्फोटेंट कंट्रोल की जो इन्फोटेन सिस्टम है उसकी पूरी कंट्रोल यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपका ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये आपका माइक, ये आपका हजार्ड लाइट का बटन और ये आपका रियर और फ्रंट डिफोगर। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा आपको, जो वायरलेस चार्जर है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाता है गियर कंसोल में, 2 चार्जिंग पॉइंट और मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल जाता है कुछ। और इसे आप यहाँ से खोल के आप एक्सट्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ स्पेस दिया हुआ है कुछ इस तरह से। क्रिस्टल डायमंड लुक में हमें इसकी गियर नॉब देखने के लिए मिलेगी जो कि 8
गियर ट्रांसमिशन के साथ हमें इसका ऑटो 8 गियर ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का हमें लीवर देखने के इस लिए पर मिलता आपकी स्वीडन की मार्किंग भी की हुई है, कभी स्वीडन का ब्रांड है तो वहाँ की मार्किंग भी की हुई है। ये आपका पार्किंग के लिए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, हैंड ब्रेक्स मतलब ये ऑटो ऑन ऑफ का फीचर, 2 कप होल्डर्स, एम्बियंट लाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है हमें इसमें, कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, काफी स्पेशियस आर्मरेस्ट है, सॉफ्ट टच है, और थोड़ा स्पेस आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। और ग्लोब बॉक्स हमें कुछ इस तरह से लाइट के साथ और कूल्ड ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आएंगे तो ऑटो डिमिंग IR भी हमें मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी आपकी, टच में टच करेंगे तो ऑफ हो जाएंगी, टच करेंगे तो ऑन हो जाएंगी। और ये आपका टच में आपको सनरूफ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे इसे जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से, जैसे मैं इसे ऐसे स्लाइड करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ से स्लाइड करता हूँ तो यहाँ आपका देख रहे होंगे कर्टेन आगे आ रहा है, यहाँ कोई बटन नहीं दिया हुआ हमें। भाई ब्रांडों की बात है, लग्जरी ब्रांड है, तो देखो आप कर्टेन बंद हो गया। अब मैं इसको एक बार बंद होने के बाद दोबारा यहाँ पे स्लाइड करूंगा, कोई बटन नहीं है, सिर्फ हमें स्लाइड करनी है फिंगर। तो जैसे फिंगर स्लाइड करेंगे तो इसका कर्टेन ओपन हो जाएगा, यहीं से हम इसका सनरूफ ओपन कर सकते हैं। ऊपर 2 माइक प्लेस किए हुए हैं फोन कनेक्टिविटी के लिए, जो सन वाइजर है आपको को ड्राइवर साइड वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, और ड्राइवर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट आता है निकल के, यहाँ पे भी माइक प्लेस किए हुए हैं, और यहाँ SOS के लिए दिया हुआ है, या कुछ आपका जो वॉल्वो की कनेक्ट ऐप है उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, और यहाँ से आप इसे प्रेस करेंगे तो दोनों रीडिंग लाइट्स बंद हो जाएंगे, और यहीं से प्रेस करके इसकी दोनों रीडिंग लाइट्स ऑन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है, पूरा फ्रंट देख सकते हैं आप गाड़ी का। अब चलते हैं पैसेंजर साइड्स पे, पैसेंजर सीट पे, जैसे यहाँ से पैसेंजर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, डोर ओपनर आपका क्रोम में, यहाँ पे ट्विटर प्लेस क्या हुआ है, ये गिलास अप डाउन करने के लिए, जो पैसेंजर ट्रेन आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच में, ये डोर एक्सेस करने के लिए अंदर, नीचे वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर, यहाँ पे एडजस्टेबल हमको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जिससे आप डाउन और अप डाउन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बीच में आपको एक आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। AC वेंट आपको 2 AC वेंट यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, और रीडिंग लाइट्स आपकी यहाँ पे हैं, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दोनों साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल्स नहीं है, बाकी 2 AC वेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आप, और फ्रंट भी चेकआउट कर सकते हैं, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब एक बार आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ इसका। अब फाइनली हम बूट स्पेस पे आ चुके हैं, बूट भी हम 3 तरीके से खोल सकते हैं, अंदर से भी खोल सकते हैं, सिंगल टच में यहाँ से भी खोल सकते हैं, और यहाँ हम की पे इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ भी इसका बूट स्पेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसे ओपन करेंगे तो हम 460 लीटर का हमें बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह की काफ़ी अच्छी पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, आपकी एक फर्स्ट एड किट मिल जाएगी आपको, रीड दोनों तरफ लाइट है, और अंदर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा के जैसे मैंने बताया था, एक बार और दिखा दूंगा आपको, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा, अलग से स्पेस दिया हुआ, कुछ सीक्रेट स्पेस बोल सकते हैं इसके अंदर, और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स, और इसे आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बूट स्पेस मिल जाता है 460 लीटर का, और यहाँ से इसे सिंगल टच पे यहाँ से बंद कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसे प्रेस करके हम सिंगल टच पे इसको बंद कर सकते हैं। अब चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन पे। अच्छा, इसका जो बोनट है वो भी को ड्राइवर साइड से खुलता है। अभी बार इसका आपको इंजन स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, किस तरह का हमें इसमें इंजन मिल जाता है देखने को लेंगे तो इससे कुछ तो इस तरह का हाइड्रोलिक बोनट देखने के लिए मिल जाएगा हमें इसका। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस तरह से हमें कुछ 2000 CC का इसमें इंजन देखने के मिल जाता है, जो कि 8 स्पीड गियर टॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन है ये, V4 माइल्ड हाइब्रिड इंजन है, पेट्रोल इंजन है ये, और 197 BHP और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये, और माइलेज की भी जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 54 लीटर है। और वहीं बात करूँ इसकी माइलेज की, तो माइलेज आपको इसकी देखने के लिए मिलेगी, इसकी
माइलेज की बात करूँ तो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर पे एआई के अकॉर्डिंग एवरेज देती है। तो कुछ इस तरह की इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं। भाई ये था XC40 का वॉक अराउंड, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको दिखाया, गाड़ी कैसी लगी कमरे में बताएं, वीडियो कैसी लगी कमरे में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।